हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्लीज वर्कशीट वर्कशीट नंबर 40 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड एंड रिवाइज द टॉपिक फ्रैक्शंस इन दिस वर्कशीट सो स्टूडेंट्स आज की इस वर्कशीट में हम एक बार फिर से टॉपिक फ्रैक्शंस को रिवाइज करने वाले हैं हालांकि आपने ये टॉपिक पहले से सीख लिया है ना उसको हम रिवाइज करेंगे ओके सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। नाउ वॉट इज फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जो किसी होल यानी पूरी एक चीज के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है यानी एक चीज का इतना पार्ट समझ रहे जैसे कि अभी असेसमेंट भी हो रहे हैं असेसमेंट में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं जैसे आपको किसी किसी भी स्टूडेंट्स को फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं एटीन आउट ऑफ ट्वेंटी तो उस मैम ये सर क्या लिखते हैं एटीन बाय ट्वेंटी यानी ट्वेंटी चीज़ों का जो ट्वेंटी मतलब एक किसी होल चीज़ के ट्वेंटी टोटल पार्ट की और उसमें से एटीन आपको मिल गए तो आपकी फ्रैक्शन क्या बन गई एटीन बाई ट्वेंटी समझ में आ रहा है होल नंबर में बी अंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट ये जो होल नंबर है ना पूरी या तो वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल थ्री बाय फोर इज अ फ्रैक्शन हम थ्री बाय फोर पढ़ते हैं वो एक फ्रैक्शन है वी रीड इट एज थ्री फोर्थ हम इसको कैसे पढ़ते हैं थ्री फोर्थ वॉट डोर स्टैंड फॉर इसमें फोर क्या रिप्रेजेंट करता है इट इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन टू विच द होल हैज बिन डिवाइडेड यानी ये जो फोर है वो यहाँ पर इस बात को दर्शाता है कि उस एक चीज के इतने टोटल पार्ट्स किए गए हैं वॉट डज थ्री स्टैंड फॉर इट इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच हैव बिन टेकन आउट और इसमें थ्री क्या आपको रिप्रेजेंट करता है थ्री क्या दर्शा रहा है स्टैंड कर रहा है थ्री किसके लिए थ्री कर रहा है कि कितने इक्वल पार्ट्स उसमें से निकाले गए हैं समझ में आ रहा है नाउ हेयर थ्री इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड फोर इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन तो जो भी फ्रैक्शन नंबर होता है फ्रैक्शनल नंबर होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं जो अपर पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं न्यूमरेटर और जो लोअर पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं डिनोमिनेटर याद रहेगा ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नाउ रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन और नंबर लाइन नंबर लाइन पर फ्रैक्शन को कैसे दिखाते हैं देखिए ये पहले हमने एक लाइन बनाई विद द हेल्प ऑफ स्केल और रूलर आप वहाँ पर जीरो से और वन तक के बीच में यानी पूरी एक चीज़ क्या है होल तो एक चीज़ है ना हमने उसके फॉर एग्जाम्पल सेवन इक्वल पार्ट्स कर लिए कितने पार्ट सेवन पार्ट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन अब अगर मुझे इन सेवन पार्ट में से ये वाला पार्ट मैंने ले लिया तो दैट मीन्स मैंने वन बाय सेवन पार्ट ले लिया यानी उस चीज के टोटल पार्ट से सेवन और उसमें से मैंने वन पार्ट टेक आउट कर लिया उसमें से निकाल लिया अगर मैं टू पार्ट्स ले, ले लेता हूं उस एक पूरे होल चीज के तो मैंने लिया टू बाय सेवन थ्री लेता हूं तो थ्री बाय सेवन फोर पार्ट्स ले लिए फोर बाय सेवन फाइव पार्ट्स ले लिए फाइव बाय सेवन सिक्स पार्ट ले लिए सिक्स बाय सेवन और अगर सेवन के सेवन ले लिए इसका मतलब मैंने पूरी होल चीज ले ली वन पूरी चीज ले ली समझ में आ रहा है ऐसे ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइंस पर यानी हम जीरो uh, और वन बनाते हैं और उसके बीच में जितना डिनोमिनेटर में लिखा था उतने उसके इक्वल पार्ट्स कर देते हैं यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी है सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस सो द फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन वही मैंने जो अभी आपको बताया था सिंपल आप रूलर की हेल्प से एक पहले एक लाइन बनाए ओके अभी क्या करना है दोनों तरफ एक एरो लगा दो ऐसे यहां पर एक पॉइंट डाल दो जीरो एक पॉइंट डाल दो वन ठीक अभी हमें कितने यहां पर लिखा है हमें रिप्रेजेंट करना है टू बाय फाइव को और फोर बाय फाइव को तो फाइव इक्वल पार्ट कर लें फाइव फिफ्थ ये हो रखा है वन टू थ्री एंड फोर अब ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया वन बाय फाइव ये वाला पार्ट कौन सा हो गया टू बाय फाइव ये थ्री बाय फाइव और ये फोर बाय फाइव और ये फाइव बाय फाइव दैट मीन्स वन होता है ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आसान है ना फिर दोबारा आपने एक लाइन बनाई उसमें दोनों तरफ आपने एरो लगा दिए ठीक अभी यहाँ पर जीरो लिख दो और सेवन पार्ट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो यहां पर आप वन लिख दो सेवन पे वन लिख दो अभी क्या दिखाना हमें फोर बाय सेवन वन टू थ्री फोर दिस इज फोर बाय सेवन एंड दिस इज सिक्स बाय सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन क्या करना है जीरो एक पॉइंट बना दो और अभी कितने करने हैं एट पार्ट करने से टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ठीक है इसको आप लिखोगे वन अब टू बाय एट दिस इज टू बाय एट एंड दिस इज फाइव बाई एट ये सब आप बहुत क्लीनली करना मैंने थोड़ा सा गंदा गंदा किया लेकिन आप अच्छे से करना इसको इसको ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन राइट द फ्रैक्शन फॉर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी अब पॉइंट ए के लिए हमें फ्रैक्शन लिखनी है लेकिन आप देखेंगे ये तो पूरा ही होल नंबर पर है ठीक है तो आप इसको क्या लिखोगे तो ए की फ्रैक्शन क्या हो गई इसको थ्री भी लिख सकते हैं और थ्री बाय वन भी लिख सकते हैं अब बी पॉइंट कहाँ है बी इधर है जैसे हमने ऊपर वन जीरो वन किया था तो यहाँ पर वन और टू है और कुल टोटल पार्ट्स कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स टोटल पार्ट हो गए सिक्स और हमारा जो पॉइंट है बी पॉइंट कहाँ पर है वो है वन टू थ्री तो बी बी के लिए फ्रैक्शन क्या आ गई थ्री बाय सिक्स और वन बाय थ्री भी वन बाय टू भी हो सकता है इसको ठीक है हम इसको वन बाय टू भी लिख सकते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पोर्शन ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो अब आपको ये जो शेडेड पोर्शन है ना इसकी फ्रैक्शन लिखनी है तो हमेशा पहले क्या करना है टोटल पार्ट गिनने टोटल पार्ट्स आर वन एंड टू तो बाय तो टू आ गया और कितने पार्ट्स शेडेड हैं वन इसी तरह से इसमें हाउ मेनी पार्ट्स

वन बाय सिक्स है तो टोटल पार्ट आर सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब आपने क्या करना है ओनली वन पार्ट को शेड करना है तो अगर आप इस तरह से इसको शेड कर देते हैं तो आपको इसको शेड करने में कलर करने में मजा भी आएगा और आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा तो अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो इसका मतलब ये क्या है वन बाय सिक्स नाउ नेक्स्ट वन बाय फोर तो आपने ओनली वन पार्ट को क्या करना है शेड करना है ऐसे अच्छे से कलर से उसको शेड करना है तो ये बन जाएगा वन बाय फोर कोई भी पार्ट आप एक पार्ट वन पार्ट को आप कलर कर दें नाउ सेकेंड थर्ड वन बाय थ्री तो आप क्या करोगे एक पार्ट को आप कलर कर दोगे क्योंकि टोटल पार्ट्स आर थ्री एंड वन पार्ट इज कलर इस तरह से आप इसको कर सकते हो फिर नेक्स्ट नाउ फोर्थ क्वेश्चन थ्री बाय फोर करना है तो आपने थ्री पार्ट्स को आपने कलर करना है वन टू एंड थ्री इस तरह से एक पार्ट और कर दो तो ये बन जाएगा आपका थ्री बाय फोर ठीक और इस वाले का क्या करना है फोर बाय नाइन यानी फोर पार्ट्स कलर कर तो आप इसके फोर पार्ट्स को किसी भी फोर फोर पार्ट को आप कलर कर दें इसको कर दें मान लीजिए ठीक है इसको कर देते हैं हम लोग इसको कर दो तो ये बन जाएगा फोर बाय नाइन क्या बन जाएगा फोर बाय नाइन आप अच्छे से कलर करना मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूं सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनिंग सर की क्लास उसको ज्वाइन करना ना भूलें जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बट रिमेंबर वन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ थैंक यू